रायपुर से मेडिकल कॉलेज के एडमिशन में हो रही देरी पर यह खबर है। ऑल इंडिया कोटे के सीट आवंटन में देरी की खबर है। सीट अलॉटमेंट में देरी से सेशन में देरी होगी। 160 दिन मेडिकल की क्लासेस हो पाएंगी। बड़ी खबर है रायपुर से। बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए देश के 17 राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें बढ़ाई हैं। छत्तीसगढ़ में 5 मेडिकल कॉलेजों में 120 सीटें बढ़ाई गई हैं, लेकिन सीट अलॉटमेंट में इतनी देर हुई है कि इस साल का सेशन लेट हो गया। इस साल करीब 1 महीने देरी से क्लासेस शुरू हो पाएंगी। इसका असर पूरे सेशन के ऊपर पड़ सकता है। तो 160 दिन ही मेडिकल की क्लासेस चल पाएंगी एडमिशन में देरी की वजह से। हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, क्या डिटेल है इस खबर का? देखिए, मामला ये है कि जो पिछली बार की तुलना में इस बार जो मेडिकल स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, ये पहले की तुलना में काफ़ी कम समय में पढ़ाई कर पाएंगे, जिसका सीधा असर उनके जो मेन नंबर आएंगे उस पर असर सीधा सीधा पड़ेगा। क्योंकि इस बार जो सरकार की तरफ से एक नया नियम आया था कि सवर्णों को लेकर के जो आरक्षण का जो नियम लागू किया गया था, जिसके कारण से जो छत्तीसगढ़ में 120 सीटें जिससे बढ़ी थी उसको जो अलॉटमेंट को लेकर के देरी हुई है। और इसके साथ साथ जब ऑल इंडिया कोटे की जो छत्तीसगढ़ में जितनी सीटें होती हैं उसमें 18% जो होती है वो ऑल इंडिया कोटे की होती है, कि मतलब इसका मतलब है कि कहीं भी देश भर के कोई भी लड़का, कोई भी जो मेडिकल स्टूडेंट है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम पास किया है, वो इस पे एडमिशन ले सकता है। तो जो ऑल इंडिया कोटे की जो एडमिशन की सीट थी 120, उस पर काफ़ी समय पर देरी की गई है। और जो सीट रिवर्ट होकर छत्तीसगढ़ वापस आनी थी, जिस पर छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट हैं, स्थानीय लोग हैं, वो एडमिशन जिनको मिलना चाहिए था उसमें काफ़ी देरी हुई है। इसी कारण से जो एडमिशन प्रक्रिया है लगभग वो 1 महीने देरी से चल रही है। इसी कारण से ये माना जा रहा है कि जो क्लासेस हैं वो काफ़ी पीछे चल समय से चलती हैं। लेकिन ये पिछली बार की तुलना पिछले 1 अगस्त को ही जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन इस बार 1 अगस्त बीत गया, आज 2 तारीख है, लेकिन अभी भी जो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वही हो रही है। एडमिशन प्रक्रिया भी का लास्ट डेट अभी कल का है। अब ये देखना होगा कि कितने दिन में ये एडमिशन प्रक्रिया पूरी होती है और कब कॉलेज स्टूडेंट जाते हैं और कब उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो पाती है। एक बात ये भी है सामने आ रहा है कि इस बार से पिछली बार की तुलना में एक नया नियम लाया गया है कि पिछली बार सीधे पढ़ाई स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन इस बार क्या किया गया कि 1 महीने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज का परिचय कराया जाएगा, हर एक जगहों पर उनको ले जाएंगे, चाहे वो हॉस्पिटल हो उससे संबंधित मेडिकल कॉलेज से या अलग अलग डिपार्टमेंट, उनको एक महीना पूरा हर एक डिपार्टमेंट घुमाया जाएगा, जिससे 1 महीना और देरी हो जाएगी। कुल मिलाकर यह है कि जो प्रक्रिया होनी थी पहले की तुलना में वो काफ़ी पीछे चल रही है। इस कारण से जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी है, वो पहले की तुलना में कम पढ़ाई करेंगे और जो मेन में उनका मार्क्स है वो पहले की तुलना में कम आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो अब की बार मेडिकल स्टूडेंट्स का